हमारा देश भारत सनातन अलग अलग धर्मों, रीति रिवाजों और संस्कृतियों वाला देश है। वैसे तो इस देश की मूल संस्कृति सनातन संस्कृति है, लेकिन विदेशी संस्कृति को भी यहाँ के लोगों ने आत्मसात किया है और इसके चलते कई बार ऐसे ऐसे रीति रिवाज सामने आए हैं जो हमें हैरान करते हैं। कहीं बाप और बेटी की शादी होती है तो कहीं शादीशुदा महिलाएं रहते हैं 5 दिन तक निर्वस्त्र। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, हमें यकीन है कि इतने डिफरेंट विजुअल्स आपने पहले कहीं नहीं देखे होंगे। सिर पर नारियल फोड़ना। जनरली नारियल को फोड़ने के लिए हम पत्थर का सहारा लेते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि कोई व्यक्ति सिर पर नारियल को फोड़ने की कोशिश करे। लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां आने वाले भक्तगण अपने सिर पर नारियल फोड़वाकर माता को चढ़ाते हैं। देश भर से महालक्ष्मी का आशीर्वाद पाने और अपनी मनोकामनाएं लेकर हर साल भक्त यहाँ आते हैं। भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के करूर में एक प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर है और इस मंदिर में एक अलग सी परंपरा चली आ रही है। यहाँ आने वाले भक्त को अपने सर पर ही नारियल फोड़वाना होता है और इस परंपरा की शुरुआत अंग्रेजों के समय से हुई है। बताया जाता है कि अंग्रेज ऑफिसर इस मंदिर को तोड़वाकर यहाँ से रेलवे ट्रैक निकालना चाहते थे और जब गांव वालों ने यहाँ से रेल लाइन निकालने का विरोध किया तो उन्होंने गांव वालों के सामने शर्त रखी, यदि तुम मंदिर के पत्थर को अपने सर पर मारकर तोड़ दोगे तो यह योजना टाली जा सकती है। और गांव वालों ने अंग्रेजों के सामने अपने सिर पर पत्थर मारकर पत्थरों को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि किसी के भी सर पर एक खरोंच भी नहीं आई। तब माता महालक्ष्मी की कृपा के आगे अंग्रेज सरकार भी झुक गई और तब से यहां पर सिर पर नारियल फोड़ने की परंपरा चली आ रही है। कई बार लोगों को चोट लगने की खबर भी आती है, लेकिन इससे इस रिचुअल मानने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को जमीन में गाड़ देते हैं। यह परंपरा भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटका की है, जहाँ के कुछ हिस्सों में सूर्य ग्रहण के दौरान दिव्यांग बच्चों को जमीन के भीतर गाड़ देने की परंपरा है। सूर्योदय के बाद 1 से 6 घंटे के समय में यह ट्रेडिशन निभाया जाता है और इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि बच्चों को जमीन में गाड़ देने से उनके शरीर की तमाम समस्याएं धरती माता खींच लेती हैं। हालांकि कुछ लोग इसे बच्चों को सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचाने की एक पुरानी परंपरा के तौर पर भी देखते हैं। निर्वस्त्र महिलाएं। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए लाज उनका सबसे बड़ा गहना होता है और ऐसी स्थिति में अगर रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उन्हें कपड़े पहनने की मनाही है तो ये बहुत ही डिफरेंट है। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण घाट का एक गांव है पीड़ी, जहाँ महिलाओं को शादी के बाद कम से कम 5 दिन तक निर्वस्त्र होकर पूजा पाठ करनी पड़ती है। हर साल सावन के महीने में महिलाएं इस परंपरा का पालन करती हैं और इस दौरान वो अपने आप को हर तरह की बुराई से भी दूर रखती हैं। इन रिचुअल्स को ना मानने वाली महिलाओं को अशुभ माना जाता है और काफी लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही है। हालांकि समय के साथ साथ परंपराओं के पालन का तरीका बदल जाता है, लेकिन उनका मेन एम वही रहता है। और इसी तरीके से परंपरा में भी अब महिलाएं पूरी तरह से 5 दिनों तक निर्वस्त्र रहने की बजाय 5 दिनों तक एक ही कपड़ा पहनकर रहती हैं, लेकिन पूजा पाठ के साथ साथ बाकी परंपराओं का पालन भी करती हैं। पीरियड से जुड़ी हुई परंपराएं। हमारे देश के कुछ संप्रदायों में जब महिलाएं पीरियड से होती हैं तो उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। हालांकि परंपराएं देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से निभाई जाती हैं और केवल हमारा ही देश नहीं बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस तरह की परंपराओं का पालन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में से लेकर एक हैरान कर देने वाली परंपरा प्रचलित है, जिसमें पहली बार रजस्वला होने वाली लड़कियों के रक्त को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे दूध और नारियल के पानी में मिलाकर पिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है और इसे पीने से शरीर में ताकत और स्फूर्ति आती है। अब आप इस बात से कितना सहमत है आप ही जानें। लेकिन बात करते हैं अब बांग्लादेश की परंपरा की। बांग्लादेश में रसवाला होने वाली स्त्री को छूने और खाना बनाने से भी रोक दिया जाता है। इसके अलावा पूजा पाठ करने और घर के दूसरे शुभ कार्यों से इन स्त्रियों को दूर रहना होता है। बात करें नेपाल की परंपरा के अनुसार, अगर रसवाला स्त्री ने किसी को छू लिया है तो उसे एक विशेष प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करना होता है।
कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरल में महिलाओं को मासिक पीरियड के दौरान उन्हें दुल्हन की तरह सजाया जाता है और पहली बार पीरियड से होने वाली महिलाओं की आसपास की महिलाएं आरती उतारती हैं। और इसी तरह साउथ इंडिया के एक रिचुअल के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम एमसी पीरियड से होने वाली महिलाओं को अपने साथ नींबू और लोहा हमेशा रखना होता है, जिससे कि उन्हें बुरी नजर ना लगे। कुत्तों से शादी। भारत की यह परंपरा आज भी गांव देहात में चली आ रही है। इस परंपरा के मुताबिक मान्यता है कि शादी से पहले लड़के और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है और अगर लड़की की कुंडली में मंगल दोष निकल आता है तो इसके निवारण के लिए पहले उसकी शादी किसी पेड़ या फिर कुत्ते से करा दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि कुत्ते के ऊपर वह दोष या बुरी शक्ति कोई प्रभाव नहीं डालती है, लेकिन इस परंपरा के चलते लड़की के जीवन से चली जाती है और इसीलिए लड़की की कुंडली से वह दोष निकल जाता है और बाद में वो किसी भी स्वस्थ लड़के से शादी कर सकती है। बाप और बेटी की शादी। बाप और बेटी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। इस रिश्ते में भरोसे के साथ साथ पिता का वात्सल्य और निस्वार्थ भाव भी जुड़ा होता है। इस रिश्ते के बीच में हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन की बात तो सोचना भी पाप है, पर हमारे देश में एक जनजाति के बीच बाकायदा पिता और पुत्री के बीच शादी करने का रिवाज है और सैकड़ों साल से ये रिवाज चला आ रहा है। बांग्लादेश और इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मंडी जनजाति के बीच ये रिचुअल सैकड़ों साल से चले आ रहे हैं, जिसके चलते बाप और बेटी को आगे चलकर एक दूसरे के साथ में शादी करनी पड़ती है और पति और पत्नी का रिश्ता बनाना पड़ता है। दरअसल कम उम्र की विधवा हुई महिलाओं की जब शादी होती है और दोबारा शादी की हुई महिलाएं जब भी किसी बेटी को जन्म देती हैं, तो इस बेटी की शादी भी आगे चलकर उसी आदमी से कर दी जाती है जो उसका बायोलॉजिकल फादर होता है। इसके पीछे उनका मानना होता है कि कम उम्र का पति माँ और बेटी दोनों की लंबे समय तक रक्षा कर सकता है। हालांकि ये बात आज भी समझ से परे है, लेकिन ऐसे रिचुअल्स आज भी चले आ रहे हैं। भगवान मुर्गन को खुश करने की परंपरा। यह परंपरा तमिलनाडु में निभाई जाती है, जिसमें मुर्गन स्वामी को प्रसन्न करने के लिए लोग अपने शरीर में सुई और दूसरी चीजें चुभो लेते हैं। इस तरह की तकलीफ भरी परंपराओं को निभाकर लोग अपने भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम इंसान के लिए इस तरह की परंपराओं को देखना और सुनना भी किसी टॉर्चर से कम नहीं। इसी तरह की परंपरा केरल के काली मंदिरों को लेकर भी है। पुराने समय से चली आ रही इन परंपराओं के मुताबिक भक्तगण अपने शरीर में हुक फंसा लेते हैं और फिर हवा में लटक जाते हैं। इस तरह वह देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। परंपराओं की शुरुआत और इनके पालन से संबंधित मान्यताएं कुछ लोगों के सोचने का विषय बन सकती हैं, लेकिन जो इन परंपराओं से जुड़े हुए हैं वह इनका पालन पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करते हैं। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। गड़बड़ा एकादशी। यह परंपरा भारत के गुजरात राज्य के गड़बड़ा शहर में निभाई जाती है। इस परंपरा के मुताबिक लोग अपने ऊपर पवित्र गायों को चलाते हैं और इस परंपरा का पालन करने वालों का मानना है कि इस तरीके से उनके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वाणी दशहरा। वाणी महोत्सव को खूनी दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन लोग आपस में एक दूसरे को डंडे से पीटते हैं, फिर किसी का सर फूटे या फिर किसी की मौत हो जाए, फेस्टिवल किसी भी कीमत पर नहीं रुकता है। कुरनूल के देवरा कट मंदिर में मनाया जाने वाला वाणी महोत्सव अपने खूनी खेल के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस फेस्टिवल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लठ से मारना। हालांकि आपने बरसाने की लठमार होली के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन वह मार प्यार वाली होती है और यह जान लेने वाली मार है। बीते 100 सालों से यह परंपरा ऐसे ही चली आ रही है और पहले इस ट्रेडिशन में लठ की जगह भाले और कुल्हाड़ी का भी प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल डंडों का ही प्रयोग किया जाता है। दशहरे के समारोह के दौरान इस तरह का खेल अच्छाई पर बुराई की जीत का संदेश देने वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मरने मारने का खेल होता है। वैसे आप इस परंपरा के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वह भी हमें जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।